Kim, your teacher's here. I know you're not sleeping. Kim? Come on, he's waiting, Kim. समझ क्यों नहीं रहे? खुदा के लिए वैस, सुनो तो सही। इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है मेरे लिए। अगर तुम अचानक रिश्ता ले आओगे तो मैं घर वालों को क्या कहूंगी? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अच्छा, नाराज होकर फोन मत पकड़। तुम जानते हो तुम्हारे अलावा मैं किसी से शादी करने की सोच भी नहीं सकती। जाएगा कुछ ना कुछ। तुम तो मुझे डरा ही दिया। खैरियत तो है, कहाँ गई थी? सिगरेट पीने गई थी। तुम सो रहे थे इसलिए तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। ये कैसे लग रहे? अरे ये तो अम्मा जान के बुंदे हैं। ये पहन के तो तुम चमकोगी। बस रहने दे, अभी आपको किसी बात पे गुस्सा आ जाएगा और मुझे डांट देंगे। अरे भाई, तारीफ भी तो करता हूँ तुम्हारी। बस सिर्फ इसी कमरे में, और वो भी कभी कभार, वरना सबके सामने तो मुझे डांट फटकार ही पड़ती रहती है। रजिया बेगम, क्या बावली हो गई हो? सबके सामने लल्लो चप्पो करना अच्छा लगता है क्या? बाबूजी भी होते हैं, बच्चे जवान हो गए हैं, और इकबाल भी तो है। सबके सामने तो अच्छा नहीं लगता, मगर सबके सामने मुझे डांटना, मुझे नीचा दिखाना बहुत अच्छा लगता है। सच पूछे ना तो मेरा दिल कटता है जब आप सबके सामने मुझे जलील करते हैं। अच्छा अच्छा, जाओ जाकर देखो सब तैयार हुए कि नहीं। हाँ जाती हूँ। हाँ याद आया, एक बात आप कान खोल कर सुन ले। फिरदौस या मुदस्सिर भाई ने अगर दानियाल और हुस्ना के रिश्ते की बात की ना, तो मेरी तरफ से साफ इनकार है। मैं आपको अभी से बता रही हूँ। पहले से अंदाजे लगाने शुरू हो जाती हो तुम। इसलिए जनाब के मेरे अंदाजे हमेशा ठीक होते हैं। अरे वो अब्बा जी को मुट्ठी में करके आगे कर देंगे, आप अब्बा जी के सामने इनकार नहीं कर सकेंगे। मगर मैं अब बता दूं आपको कि दानियाल के लिए हुस्ना मुझे अब कबूल नहीं है किसी सूरत भी। बस जाओ जाकर देखो। हर वक्त कुड़ 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 जा रही हूं। अरे भाई, तुम तैयार नहीं हुई? मैं नहीं जा रही आज। फिर तुम नहीं जाओगी तो मुझे भी रुकना पड़ेगा ना? नहीं ना, मुझे पढ़ना है, आप जाइए ना प्लीज। अच्छा चलो ठीक है।